इसकी दो बूंद से अपने पिछके गालों को उभारे, गोल मटोल बनाए फुल नाइट में। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में पिछके गालों को उभार कर गोल मटोल बनाने का जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये इतना यूनिक एंड इफेक्टिव है कि 7 डेज में इसका रिजल्ट है। यस गाइज, 7 डेज आप इसको लगा कर देखिए, आपके पिछके एंड धसे हुए गाल उभर कर गोल मटोल हो जाएंगे। साथ ही अगर आपकी स्किन पर कोई दाग धब्बा है तो ये उसको भी खत्म कर देगा। बाय द वे, ये नुस्खा पिछके गालों को उभारने के साथ आपकी स्किन को फेयर ब्राइट एंड ग्लोइंग भी बनाता है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले खाली कंटेनर लेना है जो कि साफ धुला हुआ हो, और इसमें डालना है आपको कोकोनट ऑयल तकरीबन 2 से 3 चम्मच। कोकोनट ऑयल ना सिर्फ दाग धब्बों को खत्म करता है, स्किन को लाइटन बनाता है, बल्कि आपके पिछके गालों को उभार कर गोल मटोल बनाने का काम भी करता है। नेक्स्ट इसमें ऐड करें आमंड ऑयल, यूनो बादाम का तेल तकरीबन 2 चम्मच। गाइस, बादाम के तेल में मौजूद प्रॉपर्टीज स्किन को मॉइस्चराइज करती है, टाइट बनाती है और पिछके गालों को उभारती है। अब ऐड करें इसमें 1/2 चम्मच मेथी दाना। बस अब आपने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, अच्छे से मिक्स करना है और बंद करके पूरे 2 दिन के लिए धूप में रख देना है। 2 दिन बाद आप देखेंगे कि मेथी की जो सारी गुडनेस है वो इस ऑयल में आ चुकी है, तो आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है। सो गाइज, रेडी है आपका पिछके गालों को उभार कर गोल मटोल बनाने वाला ऑयल। इसको आपने फ्रिज में स्टोर करना है और रोजाना नाइट में सोने से पहले फेस पर अप्लाई करके इसकी सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, जब तक ये स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे गालों के मसल्स में खिंचाव आता है और गाल उभर कर गोल मटोल होने लगते हैं। तो आप इसको रोजाना रात में अप्लाई करें, ओवरनाइट रखें एंड देन नेक्स्ट डे उठकर वॉश कर लें। इस प्रोसेस को आप 7 डेज, सिर्फ 7 डेज लगातार करके देखिए, आपको अपने गालों में फर्क नजर आएगा। और जब आप इसे 20-30 डेज लगातार यूज करेंगे तो आपके पिछके गाल उभर कर गुब्बारे की तरह गोल मटोल हो जाएंगे और एक भी दाग धब्बा आपके चेहरे पर नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्किन को फेयर भी बनाता है। सो गाइज, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिके एंड बाय बाय।